नमस्कार, बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। अब अगली कहानी अगला भाग प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है माँ को क्या मिला। आइए सुनते हैं मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। एक बेचारी बूढ़ी माँ थी, उसका एक बेटा था। उसका बेटा उससे बेहद नफरत किया करता था। वो माँ फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान से लाकर अपने बेटे तथा अपनी जरूरतों को पूरा करती थी। उसकी माँ के साथ होने पर उस बेटे को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार की बात है, एक दिन वो अपनी माँ के साथ विद्यालय में गया तो उसकी माँ के सामने तो उससे किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद विद्यालय के बच्चे माँ का सम्मान करते होंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन अगले दिन विद्यालय में बच्चों ने उस लड़के का बहुत ही मजाक उड़ाया। उस दिन से वो लड़का अपनी माँ से बेहद नफरत करने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि विद्यालय में हुई उसकी बेइज्जती का कारण उसकी माँ ही थी। उसी दिन से वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी मां जल्दी ही उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। उसने अपनी मां से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो अपने इस मंसूबे में सफल भी हो गया। अब वो अपनी मां को छोड़कर एक शहर में जाकर रहने लगा। उसका वहीं पर विवाह हो गया। वो अब बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो एक सफल व्यक्ति बन गया है। उसे अपना नया जीवन इसलिए और अधिक पसंद था क्योंकि वहां पर उसकी मां से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। उसकी खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी। अचानक एक दिन उसने ऐसा नजारा देखा जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, आज भी अपनी उसी एक आंख के साथ। अब तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी हंसती खेलती पूरी तरह से बसी बसाई दुनिया फिर से बिखर जाएगी। फिर भी उसने साहस करते अपनी उस मां से पूछा कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहां से आई हो? किससे मिलना चाहती हो? अपने बेटे की ये बातें सुनकर मां ने कहा, माफ करना मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैं किसी गलत पते पर आ गई हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर बेचारी मां अपने बेटे को जी भर कर देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन रोती हुई वहां से चली गई। वो मूर्ख लड़का ये सोचकर बहुत ही खुश हुआ कि शायद उस बुढ़िया ने उसे पहचाना ही नहीं है। लेकिन शायद वो भूल रहा था कि वो मां थी जो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती है। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन किसी काम से वो अपने गांव में गया। तब उसके मन में न जाने क्या विचार आया और वो अपने पुराने घर में चला गया। वहां जाकर उस लड़के ने देखा कि वो बुढ़िया जो उसकी मां थी जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी मां मर चुकी थी। ये देखने के बाद भी उसे कतई दुख नहीं हुआ। उसकी मां के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो उस बेचारी मां की अपने बेटे के नाम पहली और आखिरी चिट्ठी थी। मां के हाथ में कागज देखने के बाद लड़के ने सोचा कि शायद उसकी मां मरने के बाद उसके लिए कुछ छोड़कर जा रही है। उसने झट से उस कागज को लिया और पढ़ने लगा। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद तो मानो उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। अब मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी, पर क्या ये आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत था? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी एक आंख की वजह से ही तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। दरअसल जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी एक आंख चली गई थी। मैं एक मां थी,
और एक माँ होने के कारण मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा बेटा अपनी एक आंख के साथ पूरी जिंदगी को व्यतीत करेगा। परंतु मैंने हार नहीं मानी। मैंने डॉक्टरों से राय ली और उनकी सहमति से अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के आयाम देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे थी मेरे बच्चे। तुम हमेशा खुश रहना, यही मेरी दुआ है, तुम्हारी माँ। ये पढ़कर वो उस माँ के लिए पहली बार फूट फूट कर रोया जिसने अपनी पूरी जिंदगी ही उसके नाम कर दी थी। उसकी उस माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग दिया और बेटे ने उसे क्या दिया? दुख, अतः अपार दुख। ये केवल एक माँ और बेटे की कहानी नहीं है। हमारे समाज में ऐसे अनेक माँ और बेटे हैं जो आए दिन ऐसे हालातों से गुजरते रहते हैं। हम उन माओं को उनके अधिकार का, उनका सम्मान कब देंगे? माँ तो सदा से ही अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, लेकिन हम उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कब करेंगे? हमें समाज में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। माँ शब्द छोटा जरूर है, लेकिन ये अपने आप में पूरे संसार को समाहित किए हुए है। अब समय बदल रहा है और आधुनिक युग में समय के साथ साथ रिश्ते भी बदल रहे हैं, लेकिन माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी नहीं बदलता है। यदि हम समाज में मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखते ही रहेंगे तो ये बात वहीं पर रुक जाएगी। हमारा ये कदम, हमारी ये पहल किसी एक बदलाव को लेकर नहीं है। इसका उद्देश्य तो एक पूरी विचारधारा को ही बदलना है। जब तक हमारा दिल, हमारा दिमाग हामी नहीं भरता है, तब तक हम किसी भी महिला की इज्जत नहीं कर पाएंगे। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलें, उन्हें भी एक सुरक्षित माहौल प्रदान करें ताकि वे आजादी के साथ समाज में जी सकें और अपनी पहचान बना सकें। वृद्धावस्था जीवन की एक अनिवार्य अवस्था होती है। जो जीवित रहेगा उम्र बढ़ने के साथ साथ उस पर बुढ़ापा तो अवश्य ही आएगा। इस अवस्था में शारीरिक श्रम ना हो पाना लाजमी है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे वृद्ध परिजन कोई भी कार्य नहीं करते, ये सोचना भी बहुत गलत है। हमें याद रखना चाहिए कि अपने अनुभव और तर्क शक्ति के कारण वो परिवार के सबसे समझदार व्यक्ति होते हैं। उनकी अवहेलना करने का मतलब है कि हमने अपने जीवन के आदर्शों की अवहेलना कर दी। जब घर में बूढ़ी सास होती है तो बहू को बड़ा ही सहारा मिलता है। उसके दैनिक कार्य बहुत ही नियमित रूप से और निश्चिंतता से होते हैं। बच्चों के बीमार होने पर उस बूढ़ी माँ के अनुभव ही काम आते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुओं के हाथ पांव तो बहुत जल्दी ही फूलने लगते हैं। जब पिता घर में हो तो पुत्र को भी घर की चिंता नहीं रहती है। घर की निगरानी जितनी सतर्कता से माँ करती है, उतनी सतर्कता से शायद कोई और नहीं कर सकता है। जहां तक माँ बाप के वृद्ध हो जाने की बात है, तो हम संतान को ये याद रखना चाहिए कि इसी दिन के लिए माता पिता अपनी संतान को आत्मनिर्भर बनाते हैं। जो लोग आधुनिकता में अपना मनमौजी जीवन जीने के लिए उन्हें भार समझने लगते हैं, उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कल को उन्हें भी इसी अवस्था का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जिसकी वे आज नींव डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जो खुद के लिए अच्छा ना लगे। हमारी माँ हमको स्तनपान कराते हुए गिनती नहीं करती है,
लेकिन बड़े होने पर हम लोग गिनती करने लगते हैं, कहते हैं कि मां तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज सवाल ये उठता है कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों की परवरिश में पूरा ध्यान दिया, उन्हें भी अपनी वृद्धावस्था में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये समस्या आज के परिवेश में बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। व्यक्ति और समाज की तरक्की में अनेक घटकों का योगदान होता है, जिसमें स्त्री शक्ति एक प्रमुख घटक है। इसी कारण से भारत में मातृशक्ति को सबसे ऊपर माना जाता है। नीति शास्त्र में माता को पृथ्वी से भी बड़ा बताया गया है। मां के त्याग, बलिदान एवं महानता के कारण ही त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वालों को मां की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी को हम माता ऐसे ही नहीं कहते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं करते हैं। पृथ्वी माता के सीने को चीरते हैं, उसे जर्जर बनाते हैं, पर वो माता की तरह ही सब कुछ सहन करती रहती है। हम सबके उन कार्यों पर में थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है। हम जिस दिन से मां के गर्भ में आते हैं, उसी दिन से मां हमारे लिए त्याग और बलिदान शुरू कर देती है। 9 माह तक दर्द सहकर भी हमें कोई हानि नहीं होने देती है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो, लेकिन मां कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ती है। जॉन कैनेडी ने एक इंटरव्यू में अपनी सफलताओं के रहस्य को बताते हुए कहा था कि मेरी मां सिद्धांतों और आदर्शों की दृष्टि से बहुत अधिक कठोर और संवेदनाओं की दृष्टि से मोम से भी अधिक मुलायम थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं जो कुछ भी बन पाया हूं या आगे बनने की आशा करता हूं, उसका सारा श्रेय और यश मैं अपनी मां को देता हूं। सिकंदर का नाम तो सभी ने सुना होगा। वही सिकंदर कहा करता था कि अपनी मां की आंख के आंसू को मैं संपूर्ण साम्राज्य से भी बढ़कर मानता हूं। शिवाजी, राणा प्रताप से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में भगत सिंह, आजाद ने मां के आंचल में बैठकर ही शौर्य, पराक्रम और चरित्र निष्ठा का पाठ पढ़ा था। महात्मा गांधी ने अपनी मां को दिए वचन का पूरे जीवन पर निर्वाह किया था। माता का हृदय त्याग, बलिदान और उदारता की खान है। हमें मां को फिर उसी गरिमामय पद पर लाना होगा। वर्तमान में मां के प्रति स्नेह, श्रद्धा व सम्मान में कमी आने लगी है। आज हमें समाज में फिर से मां के प्रति स्नेह व श्रद्धा का भाव जगाना है। वर्षों पहले हमारे फिल्म जगत में बागबान नाम की एक फिल्म आई थी। ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की थी, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, कमाने के लायक बनाया था। उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तब इनके रिटायरमेंट का वक्त आता है। इस बीच वो अपना सब कुछ अपने बच्चों में बांट चुके होते हैं और उन्हें अपने बच्चों से ये उम्मीद होती है कि उनके बच्चे उनका ध्यान रखेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। पति पत्नी को 2 बच्चे अलग अलग अपने घरों में ले जाते हैं। काफी बहस के बाद बचे हुए 2 भाई फिर 6-6 महीने बाद ऐसा ही करेंगे, ये निर्णय होता है। ये कहानी उत्पीड़न की है। फिल्म के नायक 4 बच्चों के पिता अपनी जीवन गाथा लिखते हैं और उनकी ये पुस्तक बागबान के नाम से प्रकाशित होकर बहुत से पुरस्कार और धन से सम्मानित की जाती है। पति पत्नी अपने गोद लिए गए एक बेटे जो कि अनाथ था और बहू के साथ पुश्तैनी मकान में चले जाते हैं और अपने बेटे और बहुओं को कभी भी माफ नहीं करते हैं। फिल्म का अंत हो जाता है, लेकिन साहब ये तो एक फिल्मी कहानी थी। इसका अंत वैसा ही हुआ जैसा चाहा गया। हमारे भारत में तो इससे भी अधिक दिल दहलाने वाली घटनाएं प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। यही घटनाएं आज ये दर्शाती हैं
कि हम लोग कितने संवेदनाहीन हो गए हैं। आजकल बेटे बहू अपने माँ बाप को कुंभ के मेले में जानबूझकर छोड़कर गायब हो जाते हैं, जिससे कि उनसे पीछा छूट सके। अब इस कार्य को हम क्या कहें। कहा जाता था कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले तो वो हर एक कार्य में सफल होता है। वहीं पर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि माता पिता अपने ही बेटे बहू और बेटियों से डरने लगे हैं। उन्हें ये डर हमेशा सताए रहता है कि कब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए या कब उनके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। आज के इस दौर में हर चीज बिकाऊ हो गई है, रिश्ते का भी व्यापार होने लगा। 21वीं सदी में विज्ञान के इस आधुनिक युग में हमारी सबसे बहुमूल्य वस्तु जो खो गई है वो है मानवीय संवेदना, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान, श्रद्धा, स्नेह और सेवा भावना के साथ खो गई है हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली, जो कभी हम भारतवासियों के लिए हमारी शान रहा करती थी। हमारा मानवीय जीवन इतना बदनसीबी से भरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। माँ के साथ समय बिताने पर तो अपने पन का एहसास होता है, मन को सुकून प्राप्त होता है। एक माँ ही तो होती है जो अपनी संतान के सुख को अपने नैनों में संजोए रहती है। वो अपने बच्चों को सही कदम उठाने की शिक्षा देती है। जब हम कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे होते हैं तो माँ गर्व महसूस करती है। वो संसार को बताती है कि वो आपकी माँ है और आप उनकी संतान हो। माँ नाम की गागर से बच्चों के लिए सदैव ममता ही छलकती रहती है। माँ की सीख से आगे बढ़ने के बाद बेटों को यह एहसास होना चाहिए कि माँ की ममता, दुआएं और उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही हमारी सफलता का आधार है। माँ तो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी होती है। जब माँ का ममता भरा आंचल छांव देता है तो उसके स्पर्श होने से ही जीवन की हर एक थकान गायब हो जाती है। माँ तो हमारी प्रथम शिक्षक होने के साथ ही हमारी प्रथम मित्र भी होती है। माँ ही अपने बेटे के सुख दुख को उसके चेहरे को देखकर ही पढ़ लेती है। माँ ही है जो अपनी संतान को ये सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन अपने पैर सदा जमीन पर ही रखना और अपनी संस्कृति और संस्कारों को कभी मत भूलना। माँ तो वो है जिसकी ममता भरे आंचल की छांव में हम पले बड़े हैं। माँ को हम जब भी याद करें वो हमेशा हमारे साथ ही रहती है। जन्म के बाद गर्भनाल से रिश्ता भले ही टूट जाता है, लेकिन माँ के मन के तार तो हमेशा हमसे जुड़े ही रहते हैं। माँ हमारे पास हो या ना हो, लेकिन वो हमारे साथ तो हमेशा ही रहती है। माँ ही समय के साथ साथ ये जान लेती है कि उसकी संतान को कब, क्या और कैसे करना है। संतान को चोट पहुंचने के बाद जिसे स्वयं पीड़ा का अनुभव होता है वो माँ ही है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में माँ को पीड़ा पहुंचाई जाती है, माँ को बोझ समझा जाता है। हम सभी अपनी माँ के बारे में उनकी तरह नहीं सोचते। आखिर ऐसा क्यों होता है। मई का महीना था, दोपहर का सूरज लगभग सिर पर चढ़ आया था। निर्मल भैया भरी दोपहर में ऊपर वाली छत पर बैठकर आसमान की ओर निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी प्रियजन की याद में खोए हुए हों। मैं दबे पांव से चुपके चुपके उन तक पहुंच गया और उन्हें चौंका देने के मकसद से आवाज दी, क्या कर रहे हो, क्या आसमान में तारे गिन रहे हो, लेकिन दिन में तारे तो दिखाई नहीं देते हैं, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने पीछे मुड़कर हमें देखा। अरे माँ भवानी, ये क्या हो गया। उनका चेहरा तो दुर्वासा ऋषि की तरह गुस्से में लाल हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे अभी श्राप देकर हमें भस्म कर देंगे। लेकिन हमें तो उनके इस रूप को देखकर कतई डर नहीं लगा, और लगता भी कैसे। डीएलएड ग्रुप में हम उन्हें इतना सम्मान और वो हमें आपार स्नेह जो देते थे। उनका कानपुरिया अंदाज ही निराला था। लेकिन हमारे साथ में हमारे ही ग्रुप की एक व्यक्ति और थे, कलित भदौरिया। भदौरिया साहब ने अपने आप में एटीट्यूड तो कूट कूट कर भर रखा था, लेकिन उन्हें अपना लहजा बदलते देर नहीं लगती थी। उनके चेहरे की रंगत तो निर्मल भैया के लाल पीले मुख को देखकर ही उड़ गई। भदौरिया जी ने सक पकाते हुए उनसे पूछा, क्या हो गया, इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम शांति से रहे, हमने सोचा चलो आज भदौरिया जी को निपट लेने दो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। निर्मल भैया और भदौरिया जी दोनों लोगों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, तो आपस में बनती भी कैसे। भदौरिया जी ठहरे आज के आधुनिक युग के स्वतंत्र मन मर्जी करने वाले व्यक्ति, और निर्मल भैया थे आदर्श संस्कारी। भदौरिया जी ने देखा कि अब शायद निर्मल का गुस्सा ऐसे शांत होने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना दूसरा हथकंडा अपनाया। वे बोले, अरे निर्मल, आज तो मई माह का दूसरा रविवार है, हमें लग रहा है माँ को याद कर रहे हो, है ना? लगता है घर से दूर रहने वालों की तरह आपको भी अपनी माँ की याद बहुत सता रही है। माँ का नाम सुनकर निर्मल भैया का गुस्सा तो गायब हो गया। उन्होंने भदौरिया जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें अपने पास बिठा लिया। मैंने अपना सिर पकड़ा और बैठ गया, क्योंकि उस दिन सुबह से ही मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। निर्मल भैया ने बड़े ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे बालों को बिगाड़ते हुए बोले, क्या हो गया है छोटे, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उनकी बात पूरी ही ना हो पाई थी कि भदौरिया जी फिर बीच में बोल पड़े, अरे इसे हो ही क्या गया, तुम्हारी तरह से इसको भी अपनी मम्मी की याद आ रही है। निर्मल भैया ने उनकी सहमति में सिर्फ सिर हिला दिया और मुझसे बोले, यार एक बात तो है, इस माँ नाम के रिश्ते में एक अलग तरह की ही कशिश होती है, और पता है अपने समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मदर्स डे को मनाता है, इसके पीछे क्या कारण है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि माँ नाम का शब्द ही हमारी हर तरह की थकान को दूर कर देता है। शायद ही माँ जैसे रिश्ते के समान दूसरा कोई रिश्ता हो। इस माँ नाम के रिश्ते के आगे तो सभी रिश्ते फीके लगते हैं। अभी उनकी बात पूरी ना हो पाई थी कि भदौरिया जी ने फिर बीच में बोल दिया, अरे निर्मल, तभी तो आज हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं। उन्हें लगा कि उनकी ये बात सुनकर निर्मल भैया बहुत ही खुश हो जाएंगे, लेकिन ठीक उल्टा हो गया। निर्मल भैया ने कहा कि हाँ सही कह रहे हो, आज मदर्स डे है, मदर्स डे पर हमें कुछ तो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए। उन्होंने फिर तो भदौरिया जी पर सवालों की बरसात शुरू कर दी, आज ही क्यों, माँ के लिए एक ही दिन क्यों, हमारी माँ का बाकी के दिन का क्या होगा। जब माँ अपना पूरा जीवन हमारे लिए जीती है तो उसके लिए एक दिन देकर उसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की जाती है। अब तो उनके सवालों का तांता शुरू हो गया था। वे फिर बोले, रात में रोते हुए बच्चों को रोता देखकर एक पुरुष न जाने कितना परेशान होता होगा, झुंझलाता होगा, लेकिन एक माँ कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो माँ होती है। उसे अपनी संतान की भावनाओं को समझना अच्छी तरह से आता है। ईश्वर ने हमें माँ ही तो दी है, जिसके जरिए हम इस संसार में आते हैं। फिर भी हम लोग माँ से अलग होकर जी लेते हैं, कैसे। हम बच्चे ये तक भूल जाते हैं
कि आज हम जो कुछ भी हैं वो माँ की बदौलत ही है। ये हमारी माँ की उस नींद की कुर्बानी का परिणाम है जब वो कड़क जाड़े की रात में जाकर हमारे लिए चाय बनाकर देती थी, ताकि कहीं उसका बेटा या बेटी जाड़े की जकड़ में ना आ जाए। और हम जो कुछ माँ को दे रहे हैं, कभी उस पर गौर फरमाया जनाब? अरे वो पता लगने के बाद तो शायद हमारे हाथ में शर्म के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वृद्धाश्रम में रह रही माँ इस बात का उदाहरण है कि उसके बेटे अब उसे भार समझने लगे हैं। बूढ़ी हो गई माँ पुत्रों के लिए अब सिरदर्द बनने लगी है। उनकी बात सुनते ही भदौरिया जी ने फिर से कहा, अरे निर्मल, जो लड़के अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं वो उनके लिए वहाँ पैसे भी तो भिजवा देते हैं। भदौरिया जी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनकी आधी बात को सुनकर ही निर्मल भैया उन पर बरस पड़े। हाँ सही कह रहे हो, पैसे भिजवा तो देते हो, कितना बड़ा एहसान कर देते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो कर भी क्या लेगी। सही बात है, अब तो उनका गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे बोले, चलो आज देख लिया जाए कि हम लोग माँ के लिए करते ही क्या हैं। अब तुम ही बताओ कि सभी के लिए कानून बना है, लेकिन माँ के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? जब बच्चे अपनी माँ को छोड़ देते हैं तो उनके लिए क्या इंतजाम किया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो औलाद अपनी माँ को छोड़ देती है उसे कौन सी सजा दी जाती है? अपने संविधान ने उसके लिए कौन सी धारा बनाई है? और अगर बनाई भी है तो उसका कोई फायदा है भी या नहीं? अरे यार, शर्म तो तब आती है जब चार लोग वृद्धाश्रम में जाकर एक केला, एक संतरा और एक चादर सी हल्की कंबल दे देते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं और साथ में सेल्फी लेते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी निधि दान में दे दी हो। और हम लोग क्या करते हैं? उसी सेल्फी को महीनों तक सोशल मीडिया पर घुमाते रहते हैं और बड़ी बेशर्मी से नाइस पिक, गुड जॉब जैसे कमेंट करते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। यार, उस माँ के लिए कोई कानून बनाया जाए या ना बनाया जाए, हमारी उस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी फिक्र तो उसकी आंखों में सदा ही बनी रहेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन हम लोगों को भी तो एक बात सोचनी चाहिए कि क्या हम लोगों का उस मां के प्रति कोई भी फर्ज नहीं है। आप अभी सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से में मां को क्या मिला, बुक ऑडियो पर, जिसे प्रस्तुत किया मैंने यानी आपके अपने अजय सिंघल ने। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए सुनते रहिए मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ क्या तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। धन्यवाद।